हेलो दोस्तों, आज इस पार्ट में इस जैकेट को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बाँह की पूरा घटाई करेंगे, गले की करेंगे और साथ में ये जो आउटलाइन हम दूसरे कलर से दिए हुए हैं ये आउटलाइन भी बताएंगे। साथ में इसमें जो डोरी डाले हुए हैं ये डोरी भी बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे अब हम बनता फिर है। इस जगह पे पहुंच गए हैं किनारे पे। यहाँ हम सबसे पहले फूल बनाएंगे। बन गया फूल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 4 यहाँ से हम लेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 3 और ये रहा 4। इस तरह से। अब देखिए, अब आगे क्या करना है, जैसा कि हम सबसे पहले आपको बाँह में दिखा दे, बाँह का जो घटाई की है उस पर दिखा दे हम आपको, ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर हम आगे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 करेंगे और इसके बाद से हम यहाँ पे जो 4 यहाँ डबल, ये जो फूल बनाया है 4 डबल क्रोशिया का, वो हम 2 डबल क्रोशिया पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 लाइन इस तरह से बुन लेंगे साइड में, बाँह के तरफ में, ठीक है। और ये बॉर्डर में हम 3 3 ही डबल क्रोशिया देंगे। तो इसके लिए पलट लेंगे, 1 2 3 तीन चेन ले लिए। अब हमें 3 डबल क्रोशिया ही करना है। हम ये 1 डबल क्रोशिया का काम करेगा, ये 2 और ये 3। अब हमें इस तरफ से नहीं घटाना है। देखिए जैसा कि इसमें है, हमें बाँह में इस तरफ से नहीं घटाना है, सिर्फ गले की तरफ से हमें घटाना है। इसलिए देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया दिए। इसके बाद ठीक इसके बगल से हम फूल स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस पे भी इसी तरह करेंगे। इसके बगल से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो जाने के बाद में यहाँ से हम फूल बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। बाकी पूरे लाइन हम इसी तरफ फूल बनाते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरफ गले की तरफ गए हुए हैं, ये गले की घटाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमें एक ये छोड़ देना है और यहाँ 4 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 और ये रहा 4। इस तरह से घटना शुरू हो गया। अब हम फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये डबल क्रोशिया जो हमारा 4 जा रहा है ये लास्ट तक जाएगा, 1 ये यानी कि 2 हो गया, ये 3 और ये 1 4। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए हुए हैं, ये 4 डबल क्रोशिया एक छोड़े हुए हैं यहाँ पे हम, और डायरेक्ट हम बुन लिए हैं यहाँ से। यहाँ पे भी हम फिर एक इस तरफ आते गए हैं, यानी कि इस साइड में जो बनाना है वो हम नहीं बना रहे हैं। और एक घटाते हुए, देखिए आप ये देख सकती हैं घटाते हुए ये किस तरह से तिरछा गया हुआ है। बाद में हम फिर जब यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी कितने लाइन तक हम पहुँचेंगे, 1 2 3 4 5 पांच लाइन बुन लेने के बाद छठा लाइन पे जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ से हम हाफ बनाना इस पर शुरू करेंगे, और यहाँ से भी पाँचवा में हाफ बनाना शुरू करेंगे और छठा में, और इधर बाँह की घटाई तरफ हम पाँचवा से ही हाफ बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे देखिए कितना हुआ है, इसे पलट लिए। पलटने के बाद ये 1 2 3 4 यानी इस लाइन को हम इसी तरह बुन देंगे, 1 यहाँ पे हम फूल बना लेंगे। अब हम ये बाँह की तरफ आए हुए हैं, तो बाँह की तरफ में हमें 4 डबल क्रोशिया रखना है। एक साइड से 3 रहेगा या आप 3 भी रख सकती हैं, तो चलिए हम 3 ही डबल क्रोशिया यहाँ पे रखते हैं। तो ये
एक, दो और ये रहा तीन। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट किए। ये देखिए एक दो तीन चार, चार लाइन हो गया है। अब पांचवा लाइन में हमें बाँह पे यहाँ हाफ फूल बनाना है, तो इसके लिए हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। ये तीन बॉर्डर का जो डबल क्रोशिया है ये हम कर लेंगे, ये हो गया। अब ठीक इसके बगल में यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया करना है, जो कि चार का दो होगा, हाफ हम इसे बनाएंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे फूल बनाते चले जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ तक बना लेंगे सबसे पहले। यहाँ तक बना लेने के बाद में हम यहाँ चार डबल क्रोशिया जो किए हुए हैं इसे हम कर लेंगे। एक, दो, तीन और ये रहा चार। देखिए हम साइड का चार डबल क्रोशिया जस का तस बुन रहे हैं, जैसा है उसी तरह हम बुन रहे हैं। सिर्फ हम यहाँ पे घटाना शुरू किए हुए हैं। अगर हम इसे नहीं घटाते तो यहाँ भी हम एक फूल बनाते। अब हम इसे पलट लेंगे। जैसा कि बतलाए थे छठा लाइन में हमें यहाँ हाफ फूल डालना है, तो सबसे पहले हम ये चार बॉर्डर का जो डबल क्रोशिया है ये बना लेंगे। तीन और ये रहा चार। अब हम घटाने पे आएंगे। यहाँ पे हम दो फूल बनाएंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे जैसा कि है यहाँ चार आ गया। अब इसके बाद जब इसके ऊपर वाला लाइन है यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए दो डबल क्रोशिया बना हुआ है। यहाँ से लगातार हम दो डबल क्रोशिया यानी कि चार का दो, चार चार डबल क्रोशिया से एक फूल बनाए हैं, उसका हम हाफ, जस्ट हाफ हम यहाँ पे बुन लेंगे। एकदम लास्ट तक आपको ये चीज़ चला जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ एक और ये रहा दो, ये बना लिए। अब हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन, ये रहा चार। आगे भी हम बुनते चले जाएंगे, इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस लाइन में जिस तरह से हम बुन रहे हैं बाँह की तरफ, उसी तरह पूरा आपको जितना लंबा आप बुनेंगी उतना लंबा बुनाई उसी प्रकार से होता चला जाएगा। सिर्फ बाँह की तरफ, गले की तरफ तो घटाई आपको अभी ऊपर तक जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हम फिर चार चार फूल यहाँ पे देंगे, यानी चार डबल क्रोशिया का एक फूल देंगे। दो, तीन, चार, ये हो गया। अब हम ये दो फूल जो दिए हुए हैं हाफ, इसे छोड़कर बाकी का हम बॉर्डर बुन लेंगे। एक, दो और ये रहा तीन। बाँह में हमें इसी तरह ऊपर तक जाना है। फिर हम पलट लेंगे। पलटने के बाद एक दो तीन, तीन चेन ले लिए, बॉर्डर बुनेंगे हम। दो और ये रहा तीन। फिर फंदे लेंगे हम। फंदे लेने के बाद ये जो हाफ फूल बनाए हुए ये हाफ फूल हम इस जगह पे बनाएंगे। एक और ये रहा दो। अब फिर हम यहाँ से फूल बनाना शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से बनाते हुए हम इसे यहाँ तक लाएंगे। अब देखिए अब हम यहाँ गले पर आए हैं, गले के पास में आए हैं, तो यहाँ हम यहाँ पे आगे फिर से यहाँ दो बनाएंगे। एक और दो, दो डबल क्रोशिया इस जगह पे बना लिए। अब ये जो तीन चला आ रहा है पाउडर, ये तीन हम बनाते चले जाएंगे। ये लास्ट तक ऊपर तक आपको चला आएगा।
दो और ये रहा तीन। फिर एक दो तीन, तीन चेन बना लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम ये तीन जो बना हुआ है बॉर्डर का इसे बना लेंगे। अब देखिए, अब घटाने का क्रम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दो बनाएंगे, इस जगह पे छोड़ देंगे, यहाँ पे हम हाफ बना लेंगे, यानी कि एक और एक दो, इस तरह से बन गया। अब यहाँ फूल बनाएंगे हम, एक दो तीन चार, इस तरह से यहाँ पे बनाते हुए चले जाएंगे, इस जगह पे बनाएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी फूल बना लेंगे, और तीन जो हम डाले हुए हैं तीन यहाँ पे, ये तीन हम इसी तरह, यानी कि इस लाइन में जिस तरह बुने हुए हैं उसी तरह हम यहाँ का, यहाँ पे इस लाइन में बुनेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम फूल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पूरा फूल बनाएंगे, अब यहाँ तीन डबल क्रोशिया साइड का जो बनाए हुए हैं वो बना लेंगे हम, एक दो और ये रहा तीन। तो देखिए, बांह की तरफ जब हम आएंगे, ये बांह की तरफ का है, ये जब हम बांह की तरफ आएंगे तो हमारा यही क्रम चलता रहेगा। यहाँ पे जैसे हम चार बनाए, फिर तीन बना लिए डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हम दो फूल बना लिए, उसके ऊपर का लाइन पे दो फूल बना लिए और तीन डबल क्रोशिया बनाए। फिर जब हम अगला लाइन में आएंगे तो यहाँ पे चार का फूल एक बना लेंगे, ये दो फूल जो यहाँ पे बनाए हुए हैं वो ना बनाकर यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब जब हम फिर से लौट कर आएंगे तो हमें यहाँ पे दो, इस तरह का दो फूल बनाना होगा। तो इसमें इसी तरह आपको प्रत्येक लाइन में बनाते चले जाना है, यहाँ पे हमें घटाना नहीं है, इसलिए हम इसी तरह बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे कि ये तीन बन गया, इसके बाद यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया दे देंगे, एक और एक दो। इसके बाद फिर फंदे लेकर हम यहाँ पे फूल बनाना शुरू करेंगे, एक दो, इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब आप एक बार देख लें, ठीक से आप एक बार फिर से समझ लें। इधर का क्रम तो हम समझा चुके हैं कि किस तरह से इधर का लाइन में आपको ऊपर नीचे करना होगा, और यहाँ पे आपका ये चीज़ चलता जाएगा इस तरह तिरछा, यानी कि अब जब आप आएंगी यहाँ तो यहाँ पे आप एक फूल बना लेंगी, इसके बाद यहाँ पे दो करेंगी, ये जो दो डबल क्रोशिया है ये यहाँ पे दो डबल क्रोशिया करेंगी और ये तीन बन जाएगा, आपका घटता हुआ चला आएगा। फिर जब पलट के आएंगी तो इसी तरह से बनाएंगी, दो प्रत्येक में जाएगा, दो दो चला जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें है, यहाँ पे भी दो है, फिर दो है, दो चलता चला जाएगा, लास्ट तक चला जाएगा। देखिए यहाँ पर हम मान लिया जाए यहाँ पे हम किए हैं, इसके बाद से घटाना बंद कर दिए हैं, यहाँ तक किए हैं फिर घटाना बंद कर दिए, कितने लाइन तक हम घटाए हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, चौदह लाइन तक हम घटाए हुए हैं। चौदह लाइन के बाद में हम घटाना बंद कर दिए हैं, और ये जिस तरह से इधर का चल रहा था, बाह तरफ का चल रहा था बुनाई, उसी तरह से घटाने के बाद का आपको ये पांच लाइन और बनेगा, एक दो तीन, और यहाँ पे भी दो लाइन और बनाना बाकी है तो पांच लाइन और बनेगा। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होगा आपका। आप इसे ध्यान से देख लें कि किस तरह से बना हुआ है, और इसी अनुसार आप गले की घटाई करें दूसरी ओर भी, और ये बाह में भी। सबसे पहले बाह में देख लें, और गले पे यहाँ से घटना शुरू हुआ है, इस स्थान से गले का घटाई शुरू हुआ है। तो इसी क्रम में आप दोनों तरफ का पल्ला बना लें, मात्र इसमें कमी सिर्फ ये है कि ये दो लाइन और बुनाएगा, दो लाइन और बुनाएगा, जिसमें कि एक दो तीन
चार पाँच, पाँच लाइन बिल्कुल प्लेन बुना जाएगा, यानी पाँच लाइन में हम इधर घटाएंगे नहीं, सिर्फ प्लेन इस तरह से देखिए बनने के बाद आगे पल्ला, मात्र आगे पल्ला कंप्लीट होने के बाद इसकी आकृति कुछ इस तरह से आएगी। ये आगे पल्ला का दोनों बन चुका है, अब हम पीछे पल्ला बनाएंगे। तो पीछे पल्ला में हमें कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम इस तरफ का बांह बनाते चले गए हैं, यानी कि इस तरफ का जो बांह का घटाई हम किए हैं, ठीक उसी तरह से हमें दोनों तरफ घटाते हुए यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और दोनों तरफ घटाते हुए बुनते हुए चले जाना है। यहाँ से यहाँ तक हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, इतनी दूरी तक जो हम डबल क्रोशिया डाले हुए हैं वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ से हम फंदे को उठाएंगे, यहाँ से डबल क्रोशिया लेंगे तीन, तीन डबल क्रोशिया लेने के बाद में यहाँ पे हम दो दो बनाएंगे, इस फूल का आधा दो बनाएंगे, फिर यहाँ चार बनाएंगे, चार बनाएंगे, यानी इस फूल को बनाते हुए चले जाएंगे। जैसा कि देखिए सबसे पहले हम मून को जोड़ लेंगे यहाँ पे, ये जोड़ चुके हैं। अब एक दो तीन, तीन फंदे, तीन चेन लेने के बाद में हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया करेंगे, ये दो हो गया और ये तीन हो गया, तीन डबल क्रोशिया कर लिए। इसके बाद यहाँ पे हमें हाफ बनाना है, यानी कि दो, इस फूल का आधा जो कि हम आगे पल्ला में बता चुके हैं, इस तरह से दो बना लिए, इस फूल का आधा, फिर फंदे लेंगे, यहाँ पे हम फिर पूरा फूल बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक फूल को बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पे हम दो फूल बनाएंगे, यहाँ एक फूल पूरा बनाएंगे, यहाँ दो फूल बनाएंगे, और इसके बाद यहाँ एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हम बॉर्डर के रूप में रखेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से हम यहाँ पे बांह पे बनाए हुए हैं, एक साइड में ये दो आ जाता है हाफ, यानी दो, ये चार का दो आ जाता है, फिर यहाँ चार के बाद सीधे बॉर्डर का आ जाता है, फिर इस जगह पे बॉर्डर के जस्ट बगल में यहाँ पे दो आता है। इस तरह से बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हमें कंप्लीट कितना लाइन में करना होगा, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह लाइन में हम इसे कंप्लीट करेंगे। सत्रह लाइन यानी सत्रह हम नहीं बनाएंगे, सोलह लाइन बनाएंगे, क्योंकि गले का भी हमें घटाई देखना है, तो सोलह लाइन हम बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम घटाएंगे गले पे हमें कितना घटाना है, गले पे हमें कितना फूल रखना है दोनों कंधों में, वो हम उसके बाद करेंगे। इस तरह से हम इसे देखिए यहाँ पे बनाए हैं, एक पल्ला बना करके जोड़ चुके हैं हम यहाँ पे। पीछे पल्ला, ये दूसरा पल्ला भी हम आप लोगों को जोड़ने के लिए बताएंगे। और ये पीछे पल्ला में जैसा कि यहाँ पे आपको जितना लाइन था उतना लाइन हम टोटल बुन चुके हैं यहाँ पे, यहाँ से उतना लाइन हम टोटल बुन लिए। बुनने के बाद में दो लाइन हम छोड़ दिए, दो लाइन हम पहले ही छोड़ दिए, यहाँ पर हम गले की घटाई कर चुके हैं। जैसा कि देखिए इस पर दो लाइन अब इस वक्त हम यहाँ पे छोड़े हुए हैं। दो लाइन हमें इस तरह से बुनना होगा। इस तरफ का हम जब इसे जोड़कर कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद हम धागे को यहाँ पे हम लगाकर जोड़कर और फिर ये दो लाइन को बनाएंगे, जिसमें कि देखिए दो लाइन हम कितने फूल से बनाए हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फूल और ऊपर में है पाँच फूल। तो इसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे छः फूल, ये एक हो गया, दो ये तीन, चार, पांच,
पाँच, ये पांच फूल हो गया, एक और बनेगा। लेकिन एक बार हम चेक करेंगे कि साइड में दो, एक दो तीन चार पाँच, साइड में अगर हम दो रखे हुए हैं तो ये दो फूल यानी कि हाफ हम रखे हुए हैं, तो एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे भी हम साइड में दो नहीं रखे हुए, यहाँ साइड में हम, तो एक दो तीन चार पाँच, एक छः, छः फूल बनाएंगे और ऊपर में हमारा चला जाएगा पाँच फूल। अब इतना कर लेने के बाद में एक बार आप इसे नाप लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप ले, देखिए बिल्कुल ठीक है। अब हम इसी को बुन लेंगे, एक लाइन और बुन लेंगे, इसके बाद दोनों को मिलाकर हम जोड़ देंगे। यहाँ पे एक दो तीन इस तरह से ले लेंगे, इसके बाद एक फूल यहाँ बनाएंगे, ये हो गया दूसरा फूल, तीसरा, ये चौथा फूल हो गया, ये हो गया पांचवा फूल। अब जो छठा आगे हम बनाएंगे, ये हम हाफ बनाना है ये हमें, यानी यहाँ पे हम दो, मात्र दो डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे। इसके बाद तीन जो डबल क्रोशिया हम बॉर्डर का रखे हुए हैं वो तीन कर लेंगे, एक दो और ये रहा तीन, ये हो गया। अब हम दोनों को मिलाते हुए जोड़ेंगे, जैसा कि हम एक जोड़ चुके हैं, अब दोनों इस तरह से हम मिलाएंगे यहाँ पे, देखिए जोड़ेंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए हम इस तरह से फंदे लेकर निकालेंगे, एक डबल क्रोश, एक चेन में मिलेंगे हम इसे, फिर अगला भी हम इसी तरह करेंगे। पूरे जैकेट में आपको इसी स्थान पर एकमात्र जोड़ मिलेगा। हम फंदे को ज़्यादा टाइट ना करेंगे, हल्का ढीला ढीला रखेंगे ताकि ये टाइट ना हो जाए। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे, देखिए ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हो गया। सीधा तरफ से देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से लगेगा देखने में। अब हम इसमें ठीक दूसरे कलर से इसमें हम कुछ काम करेंगे। लेने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इसकी आकृति कुछ इस तरह की है। अब इसमें हम अलग कलर से आउटलाइन बनाएंगे, जो कि हमारे पास ये थ्री प्लाई का ऊन है, हम इसी से इसके चारों किनारे में इसका आउटलाइन देंगे। हम कुछ इस तरह का इसमें बना रहे हैं,
आइए देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से लाते हुए हम पूरी गुलाई यहाँ लाकर हम ख़त्म कर देंगे और बाँह में भी हम उसी तरह बनाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से बनता है, हालांकि मैं ये अपनी वीडियो में डाली हुई हूँ ब्लाउज में। सबसे पहले हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ धागे को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद तीन चेन लेंगे और एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन छोड़ेंगे हम, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया के बाद हम इस तरह से इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन ले लेंगे और इस जगह से हम एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठवां हम इस जगह पे हुक को डालकर निकालेंगे। सबों को एक साथ हम गिरा देंगे, फिर एक बार इस तरह से चेन बना लेंगे, फिर से हम एक और एक दो, दो चेन बना लिए, फिर इसी चीज़ को हमको हमें रिपीट करते हुए पूरे कंप्लीट करना है। एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये रहा आठ, सबों को एक साथ बंद कर दिए। एक बार हम इस तरह बुन लिया, अब एक दो। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसका जितना भी चारों किनारा है कंप्लीट को करेंगे हम। इस तरह से हम यहाँ पे सब और ये डिज़ाइन दे करके और इसे कंप्लीट किए, बाह में भी दिए हुए हैं, गले में भी और किनारी नीचे भी दिए हुए हैं। अब हमें इस तरह का डोरी बनाना है। ये डोरी अगर आप चाहती हैं इस तरह का डोरी तो बनाकर डाल सकती हैं। ये डोरी हम इस तरह से बनाए हुए हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम तीन चेन लेंगे, एक दो, सबसे पहले तो धागे को हम डबल कर लेंगे इस तरह से। कुछ धागे को हम यहाँ पे रख चुके हैं, धागे को डबल कर लेंगे। इसके बाद हम चेन लेंगे, तीन चेन, एक चार चेन। अब फिर फंदे लेकर इसे हम यहाँ पर लास्ट जो फर्स्ट चेन था यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया कर लिए, अब एक चेन लेंगे, फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद हम जो डबल क्रोशिया किए हुए हैं उसी पे इस तरह से एक, जो हम फूल बनाए हुए हैं उसी फूल को बना रहे हैं, दो तीन चार और पांचवा जो हम लेंगे सो यहाँ से लेंगे पांच। अब ये सबों को हम एक साथ गिरा देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर एक दो, या एक ही आप चेन लें, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया करेंगे, एक, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक फंदा चेन लेंगे और फिर से हम पांच इसी तरह करेंगे, एक दो तीन चार और जो पांचवा लेंगे हम वो यहाँ से लेंगे बीचों बीच से पांच। अब सबों को हम एक साथ बंद कर देंगे इस तरह से, फिर एक चेन लेंगे और हमें ये फूल हमें तीन बार बनाना है। अगर आप तीन चाहती हैं, तीन चार पाँच, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर से हम इसी फूल को बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक ये रहा पाँच, सबों को एक साथ बंद कर देंगे। ये हो गया, अब हम इसे एक दो तीन, तीन लिए, इसके बाद इसे हम लाकर यहाँ बंद कर दिए। देखिए ये इस तरह से बन गया, इस तरह से ये फूल बन गया। अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, करीबन 60 चेन बना लेंगे या आप अपनी इच्छा अनुसार 70 80 डाल सकती हैं।
60 चेन हम डाल लिए हैं। अब हमें फिर से इसी फूल को बनाना है जो फूल हम स्टार्टिंग में बना चुके हैं। उसके लिए क्या करना है हमें, 1 2 3 तीन चेन लेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फोर्थ चेन जो है वहाँ से हम हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और एक दो तीन चार पांचवा हम इस जगह से इस तरह से उठाएंगे, सबों को एक साथ गिरा देंगे। एक चेन एक ले लेंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे इसी स्थान से। चेन लेंगे और फिर से पांच बार, 1 2 3 4 ये रहा 5। फिर से इसे हम गिरा देंगे, एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, पांच बार हम फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 पांचवा हम यहाँ से बनाएंगे, सबों को एक साथ गिरा देंगे, तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3 अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे इस तरह से। जोड़ दिए, अब हम धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। जब हम धागे को कट कर लेंगे तो आपका ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसे भी हम कट कर लेंगे, ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। आप इसे एक यहाँ डाल सकती हैं, यहाँ डाल सकती हैं, यहाँ डाल सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। या तो फिर एक बड़ा सा यहाँ पे डोरी बनाकर आप टोटल यहाँ पे बड़ा सा डोरी बनाकर भी डाल सकती हैं। इसे अगर 3 भाग या 2 भाग में डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं। इस तरह से ये कोटी जैकेट बनकर तैयार हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।